मम्मी देख मुझे खा दे मुझे खा दे मुझे दे। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज प्रजापत और आज एक स्नेक रेस्क्यू के लिए आया हूँ। गांव है कंजोली भोपर के पास में। तो यहाँ पे क्या है कि किसके अंदर है सांप? बिटोला, जिसमें उपले वगैरह रखे होते हैं उसके अंदर सांप है। छत के ऊपर है तो आ जाओ, उसको रेस्क्यू करेंगे। ये थोड़ी पोर रखी हुई है दोस्तों, इसमें थोड़े से ये किधर की साइड, उधर की साइड, इधर के ऊपर यहाँ पे हाँ। काला पीला इधर काला नहीं है, वेट नहीं हो रहा है। अलग टाइप कोबरा का है, ट्रिंकेट दोस्तों। ये लगभग एक दो घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे थे। ये सांप है और अभी इसने यहाँ पे कुछ खाया भी है शायद। ये देखो या तो कोई मेंढक होगा या कोई चूहा होगा, खाया होगा। ये ट्रिंकेट सांप है दोस्तों, इसको तस्कर और बन सुंदरी रूप सुंदरी के नाम से जानते हैं। खूब अच्छी साइज है, खा के छुपा हुआ था ये। और कैसे दिखाई दी और तुमको? खाई होती यार, धन्यवाद। फिर हमारे नंबर कहाँ से आए आपके? कौन से? अरे हाथ खा के नहीं खाएगा वो, है ना। आप आती तो आपको खाता नहीं, लेकिन ये तो डर होता है ना सांप का, खाता नहीं। इसने ऑलरेडी खा रखा है कुछ, दो तीन है शायद। अब लेकिन तो है, अभी इनको निकालेगा शायद, पलटी करेगा। अरे बाबा कुछ भी नहीं किया हमने भाई के सामने। ये ट्रिंकेट सांप है दोस्तों, इसको देख के ये लोग बहुत ज्यादा भयभीत थे, अभी भी ये भयभीत है। लेकिन एक राज वाली बात ये है कि इसके अंदर जहर होता ही नहीं है और ये काटता भी नहीं है जल्दी से। ये छत के ऊपर आया खूब यार, किधर होके आया होगा ये? या भाई तो नहीं है रो। करियो यार थोड़ा क्या भाई, एक महीना महीना दोस्तों। ये सब लोगों का मानना है कि मैंने सांप ऊपर कोई जादू कर दिया या फिर कुछ हाथों के लगा के आया हूँ, तो ये पूरी तरीके से अंधविश्वास है। ना मैं कोई जादूगर हूँ और ना ही मैंने कुछ हाथों के लगाया है। ये एक पकड़ने की ट्रेनिंग होती है और एक कला होती है, और इनके ऊपर जो की गई स्टडी होती है तो पता लग जाता है कि कौन सा सांप जहरीला है, वो कैसा स्वभाव का है और किस तरीके से हरकत करेगा, उसी तरीके से हम इसको हैंडल करते हैं। कुछ खाया है ना, उसको निकालेगा थोड़ी देर में ये। तो दोस्तों इसने जो भी कुछ खाया है ये उसको पलटने के लिए तैयार है। तो ये एक सांप की प्रवृत्ति होती है कि जब भी उसको थोड़ा सा छेड़ दिया जाए तो वो उसको पलटने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो अनसेफ महसूस करता है।
और वहाँ से भागने की फिराक में वो हल्का होने की कोशिश करता है, इसलिए उसको बाद में पलट देता है। खाया को देख, मम्मी देख, मुझे खा दे, मुझे खा दे, मुझे देख। ये देखिए ये क्या खाया है इसने, अभी बाहर आएगा हमारे सामने। ये देखिए कितना बड़ा चूहा है ये, ये देखिए पूरा का पूरा चूहा इसने खा लिया। अभी तो शायद और भी है कुछ है? नहीं आकर बेटा कौन खेल रहा है, कितना सा सांप है, अब उम्मीद नहीं लगा सकते कि इतने बड़े चूहे को खा जाएगा ये। अभी पूरी तरीके से हल्का हो चुका है और इसको पैक करके लेके चलते हैं। और तो चलो इसको रखते हैं डब्बे के अंदर। ढक्कन के साथ जाएगा, ढक्कन चलिए दोस्तों इसको पैक कर लिया, इसके अंदर छेद करते हैं, नीचे चलते हैं, फिर इसको जंगल में छोड़ देंगे सावधानी पूर्वक, ऐसी जगह पे छोड़ेंगे जहाँ पे ये अच्छी तरीके से रह सके, पल सके। चलिए मिलते हैं वहाँ पे जहाँ छोड़ेंगे इसको।